बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि लड़कियाँ पाकिस्तान आर्मी में कैसे भर्ती हो सकती हैं एज ए नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग के शोबे में लड़कियाँ कैसे भर्ती हो सकती हैं पाकिस्तान आर्मी में। इसके लिए उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, यानी कि उम्र जिसको कहते हैं एज क्या होनी चाहिए, तलीम कितनी होनी चाहिए, कौन कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए, तमाम डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो बताऊँगा। और इसके साथ साथ आपको भर्ती होने का तरीका भी बताऊँगा और इसके अलावा क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, तमाम तरीके आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट में अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में देखिए बेल के आइकन को दबा लो। मजीद अगर आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में लड़कियाँ एज ए नर्सिंग में कैसे भर्ती हो सकती है, इसके लिए उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, तलीम क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे सामने पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल एड ओपन है। इस एड के मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए ट्रेंड नर्सेज BSc नर्सिंग थ्रो आर्मेड फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज AFNS। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन नर्स हैं वो एज ए लेफ्टिनेंट लगती है पाकिस्तान आर्मी में, और इसके लिए उनकी जो क्वालिफिकेशन तलीम होनी चाहिए वो BS नर्सिंग होनी चाहिए 4 साल, या फिर आपकी होनी चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का जो मिडवाइफरी का होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उम्र आपकी होनी चाहिए 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद AFNS यानी कि BSc नर्सिंग में फीमेल्स के लिए जो है वो आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए 60% नंबरों के साथ, और इसके अलावा FSC परी मेडिकल होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ, और इसके लिए उम्र आपकी 17 से 25 साल रिक्वायर है। तो ये हो गई उम्र, ये अभी जॉब्स आई हुई हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 मई 2023 को, तो इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 29 मई 2023 से लेकर 30 जून 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इन जॉब्स के लिए। तो व्यूअर्स, इन जॉब्स पर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना, पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप लोगों को जो है वो जब भर्ती हो जाते तो बहुत सारी सहूलियात दी जाती है, जिस तरह आपको पेंशन मिलती है, रिहाइश मिलती है, खाना मिलता है, अच्छी सैलरी मिलती है, और इसके अलावा फ्री मेडिकल होता है। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो मैं आपको बता दूँ कि 1 साल के करीब करीब आपकी ट्रेनिंग होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है, अच्छी सैलरी मिलती है इसमें आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को ये ख़ास तौर पर ये लड़कियों के लिए जॉब्स है, तो लड़कियाँ इन जॉब्स में लाजमी अप्लाई करें जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो वो लड़कियाँ इन जॉब्स को लाजमी ज्वाइन करें पाकिस्तान आर्मी को एज ए नर्सिंग। एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, मैं इस आर्टिकल का, इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर वो आर्टिकल पढ़ लेना, ये वाली पिक्चर भी आपको वहीं पर नज़र आ जाएगी। तो लड़कियाँ लाजमी यहाँ पर अप्लाई करें, यहाँ पर मैंने बता दिया है कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए और तलीम कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, सब कुछ आपको बता दिया है। मज़ीद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लास्ट में, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में आप किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हो, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।